तो यहाँ पर दिया हुआ है रूट टू का वैल्यू 1.414, ये वैल्यू है 1.414, ये वैल्यू है। और सवाल है रूट एट, सवाल हम लोगों का दिस इज 50, इज दिस करेक्ट? चलो तो इसका कितना होगा, ऐसा होगा ना, इसका कितना होगा, चार चार दिन आठ, आठ दिन दो दिन चार, चार दिन आठ आठ, ठीक है। चलो इसका कितना होगा, दो दिन चार, चार दिन इतना होगा ना। अब इसका कितना होगा, फोर तो इधर हो गई, इतना होगा ना, इतना ही है। तो इसके बदले एक दो बाहर आएगा, इसके बजे तो दो दो बाहर आएगा ना, समझ में आया? तो दो के बदले एक, दो के बदले एक, ये दो तो ऑलरेडी यहाँ पर है, अभी तक टू बचा, फिर एक बात नहीं, टू रूट टू यहाँ पर हो गए, एट रूट टू माइनस एट होगा ना, 24 रूट टू माइनस 20 रूट टू, तो ये कितना होगा, 10, 10 में 20 में 10 के कितना होगा, 10 रूट टू, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, वही तो गड़बड़ होता है ना। तो ये 20 और ये 10 कितना होगा, 30, घटेगा कितना आएगा, 6 रूट टू आएगा कि नहीं आएगा, तो 6 रूट टू का वैल्यू कितना है, कितना है कि नहीं, 6 इंटू 1.414, समझ में आया? इतना ही करना था, थोड़ा कैलकुलेटिव था हुआ, इसलिए साइन को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इस तरह का गणित को बनाते वक्त, क्लियर? 65 भी, तो 65 सवाल में रूट 15 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 3.88। अब सवाल है ये सवाल है, तो ऐसा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में, एक ही चीज होता है। अब रूट थ्री इधर करो, रूट थ्री इधर करो, नीचे का मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, रूट 15, रूट थ्री मल्टीप्लाई कितना आएगा, थ्री आएगा, रूट थ्री रूट थ्री, तो रूट फिफ्टीन का वैल्यू कितना है, 3.88। अब थ्री से भाग करो इसको, थ्री वन जा थ्री, एट आया, थ्री टू जा सिक्स, टू आया एट आया, थ्री नाइन जा 27, वन आया जीरो, थ्री थ्री जा ना आते रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा वैल्यू लगा थ्री करेंगे, 1.293, समझ में, क्या समझ में है? इस तरह के सवाल का हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला ही तो है रूट फाइव रूट थ्री का, मतलब इसको हम लोग रूट थ्री को ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट का क्वेश्चन में। और रूट फाइव रूट थ्री 15 हुआ, रूट 15, और रूट थ्री मतलब 13 होगा, तो रूट 15 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, थ्री से हम लोगों ने डिवाइड किया, आंसर आ गया। अब बताओ कौन सा सवाल, रूट सिक्स का मान है 245, और सवाल है रूट टू बाई थ्री रूट थ्री। इसको उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं जैसे अभी किया, इसको रूट थ्री करो, इसको रूट थ्री, इसको हम लोग नहीं लेते, कितना आया ये रूट सिक्स, इसके बदले कितना आएगा, एक तीन तो ऑलरेडी यहाँ पर, इसके बदले कितना आएगा, थ्री आएगा, रूट सिक्स में कितना आया ये 9, रूट सिक्स का वैल्यू कितना हुआ है, इसका वैल्यू है 2.45 बाय 9, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने से क्या आएगा, जीरो लगाओ, 9 दूने 18, 6 5 65, 9 सते 63, 2 0, 9 दूने 18, कहाँ यह गड़बड़ हुआ था, अरे भाई 9 दूने 18 होगा ना यहाँ पर, ये 18 है, 9 दिन 18, तो 6 आया 5, 9 सते 63, फिर 2 आया 0, 9 दिन 18, अब फिर आएगा, तो इस वक्त हम लोग हरी करेंगे लगा,
0.272। समझ में आया? चलो अभी सवाल है जो बनाना 67, तो 67 का सवाल कहाँ है? 67 निकल, सिक्सटी सेवन का सवाल हम लोग करते हैं, ये है 80 रूट में 112 ब्रैकेट करो, यहाँ पर है रूट 45 माइनस रूट 63, इसका भी वैसे ही करना है। कितना होगा? 4 4 16 85 हुआ कि नहीं हुआ? 4 4 16 7 112। ये देखो ऐसा हिसाब किताब थोड़ा जानना पड़ेगा। 3 3 9 5 45, 3 3 9 7 63, तो इसका एक क्या है, एक वैल्यू आएगा, 4 निकलेगा बाहर, 4/√5 या पर 4/7 होगा, यहाँ पर 3/5 है, ये 3/7 है, तो 4 को कॉमन लो क्या बचेगा, √5/√7, √5 - √7, 3 कॉमन लो क्या बचेगा, यहाँ पर √5 - √7, ये कटा, अब क्या बचा, 4/3 बचा, तो 4/3 आंसर है, तो ठीक ही है, नहीं तो इसको डिवाइड करो, 3 1 3। इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को बनाते हैं। और है कुछ बनाना? 92। चलो तो इसको हम लोग मिटाते हैं अभी। यार क्या है सवाल दूसरा है? दूसरा भी थोड़ा ट्राई करके देखो, अगर होता है तो ठीक है। 92 का सवाल है, ये बहुत ही दूसरा टाइप का सवाल है। देखो इन्फिनिटी है ना, तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू इधर टू ना। चलो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये रूट हटा देगा, इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा ना, तो फिर क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस टू बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसके बदले में हम लोग एक लेते हैं x माइनस टू, इसके बदले में हम लोग लेते हैं x प्लस वन। देखो इस तरह का सवाल जब भी होता है x इज इक्वल टू रूट टू, रूट के भीतर में 2+x लिखो, समझ में आया? और ये जब रूट हटता है तो रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर वैल्यू आया तो x प्लस टू, अब इसको इधर लाएगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, अब इसको हम लोग क्या किया यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोगों का एक्स स्क्वायर, ये नंबर को देखना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नंबर को देखना पड़ेगा, जोड़ने पर या घटाने पर इतना आना पड़ेगा, तो 2 और x 2x हो गया, तो 2x से अगर x घटाएगा तो यही वैल्यू आएगा माइनस x, तो हम लोगों ने हिसाब किताब किया तो इसके बदले एक आएगा, इसके बदले ये आएगा और जीरो है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आंसर हमेशा क्या में होगा, पॉजिटिव में। लेकिन कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी होता है इसका, जैसे कि यहाँ पर 2 है 1 है इसका, हाँ, और घटाने पर कितना आना पड़ेगा, 1, तो बड़ा वाला आंसर हमेशा होगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कितना होता, छोटा वाला होता, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा, इसीलिए बड़ा छोटा देखने से नहीं होगा, समझ में आया? अभी सवाल है हमारा 288/128 इक्वल टू क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 128 ए रूट ओवर कर सकते हैं, 2 1 2 2 4 2 4 काटेंगे 2 6 2 4 अब बना हम लोगों का 144/64,
144 हम लोग जानते हैं 12 का है, ये 8 × 8 तो रूट से बाहर निकलेगा 12/8। वाह, अब है सवाल बनाना? नहीं है, ठीक है तब जोड़ दे, पसंद है।